नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वाले वर्ष 2024 को लेकर बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2024 प्रारंभ होगा, हमारे काम बनेंगे, परेशानियां दूर होंगी, कैरियर बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ होगा क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट हमें मिलेगा। लेकिन वर्ष 2024 प्रारंभ हुए लगभग 6 महीने बीत गए और अभी तक मेष राशि वालों के जीवन में कोई विशेष शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिला, जबकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने में कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, धन खर्च हो गया, कर्जे चढ़ गए, कई लोग आर्थिक, कई लोग मानसिक और कई लोग पारिवारिक स्थिति से गुजर रहे थे, परेशानियां चल रही थी, लेकिन कोई विशेष शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिला। क्या आगे जुलाई से दिसंबर तक ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा? ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है? जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है? इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि कौन से ग्रहों का किस क्षेत्र पर कब क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी से लेकर के जून तक ग्रहों की स्थिति कैसी थी, क्यों अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, संक्षिप्त रूप से जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे जुलाई से दिसंबर तक ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और क्या आपको लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के बारे में, मेष लग्न वालों के बारे में, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल की यदि हम बात करें जनवरी 2024 की, तो जनवरी 2024 से मंगल 16 जनवरी तक अस्त रहे। सितंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक मंगल अस्त रहे। इसी कारण से जो जनवरी के महीने से लाभ होने वाला था वो लाभ आपको नहीं मिला। मंगल जो है मेष लगन की कुंडली में सबसे मुख्य ग्रह माने जाते हैं, लगन के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं देखने को मिली, कॉन्फिडेंस लो रहा, कई बार जो है देखने को मिला कि नौकरी में, व्यापार में कोई खास मन नहीं लगा, कोई बेहतर स्थिति नहीं रही, ससुराल पक्ष से संबंध कई लोगों के खराब हुए, कई लोगों का पैसा फंस गया, कई लोगों को अपने लोगों ने ही धोखा दिया, कर्जा चढ़ते गया, तो ये स्थितियां जो है देखने को मिली और कई लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी देखने को मिली। ये स्थिति जो है 16 जनवरी तक थी। 16 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल उदय हुए, मंगल अपना काम करना प्रारंभ किए कि 11 फरवरी से शनि जो है अस्त हो गए, साथ ही साथ 8 फरवरी से बुध भी जो है अस्त हो गए। तो फरवरी के महीने में दो ग्रह अस्त हो गए। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपने शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है। अस्त कैसे होते हैं? सूर्य के समीप जब कोई ग्रह आते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि सूर्य के पास इतना तेज है, अग्नि तत्व ग्रह है, आग जैसी ज्वालाएं निकलती है और सूर्य के समीप जैसे ही ग्रह जाते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते और वो शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होते, जबकि अशुभ परिणाम देखने को जरूर मिलते हैं। तो बुध और शनि दोनों ही फरवरी के महीने में जो है अस्त रहे और बुध आपकी कुंडली में तीसरे भाव के मालिक है, छठे भाव के मालिक है, भाई बहनों के साथ संबंध खराब हुए, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला, यात्राओं से भी कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला, छठे भाव के मालिक है तो कर्जा भी बढ़ा, कई लोगों ने ऋण भी लिया, चुकाने में दिक्कत भी हो रही है, कई लोगों के तो शत्रु बढ़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, नौकरी में कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति को खराब करने का काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो बुध जो है व्यापार के कारक ग्रह है, तो व्यापारिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के भी मालिक है, व्यापार के भी मालिक है, तो बुद्धि भी सही ढंग से काम नहीं कर रही थी,
शनि जो कि आपके कैरियर के मालिक है और लाभ भाव के मालिक है, आय के मालिक है, तो कैरियर में बहुत दिक्कत देखने को मिली फरवरी के महीने से। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार नहीं चला। शनि जो है कार्य क्षेत्र के मालिक है, तो कैरियर को लेकर के सबसे बड़ी चिंता देखने को मिली। आय को लेकर के कई लोगों का पैसा जमा था लेकिन वो धीरे धीरे खर्च हो गया, बैंक बैलेंस जीरो होने लगे, नुकसान होने लग गया, कर्जे बढ़ने लग गए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के समस्या भी देखने को मिली। आय के जो स्रोत थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे या काम सही नहीं चल रहा था। शनि की जो दृष्टियां होती है ये सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है, और जब शनि अस्त होते हैं तो और ज्यादा बुरा परिणाम देखने को मिलता है। अब शनि अस्त थे 18 मार्च 2024 तक, तो तीसरी दृष्टि आपके राशि के ऊपर पड़ रही थी। कई लोगों का स्वास्थ्य खराब रहा, कई लोगों को मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब देखने को मिली, पारिवारिक स्थिति खराब रही, वही कॉन्फिडेंस लो रहा, काम करने का मन नहीं हो रहा था। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों के लिए भी परेशानियां देखने को मिली, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, संतान को लेकर के चिंताएं बनी थी, फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी, लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही थी, कई लोगों का शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, कई लोगों के ऊपर कर्जे चढ़ गए। तो ये स्थिति जो है शनि के द्वारा जो है फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में देखने को मिली। दसम दृष्टि शनि की सप्तम अष्टम नवम दसम अष्टम भाव में होने के कारण कई लोगों के अपनों से संबंध खराब हो गए, अपनों ने धोखा दे दिया, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो गए, पैसा फंस गया, रिकवरी नहीं आ रहा है, मांगने जा रहे हैं तो डेट पे डेट मिल रही है, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिली। अब शनि जैसे ही 18 मार्च से उदय हुए तो बुध जो है 4 अप्रैल से 19 अप्रैल तक बुध पुनः जो है अस्त हो गए, और सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई तक ये भी जो है सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग बनाए, और सूर्य जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक है, पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट का, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है परेशानियां देखने को मिली, नुकसान होते हुए नजर आया अप्रैल के महीने में। वही तीसरे भाव के मालिक बुध है, छठे भाव के मालिक बुध है, तो शत्रु भी पैदा हुए, कहीं ना कहीं परेशान करने का काम किए, कंपटीशन में सफलता ही नहीं मिली, नौकरी के लिए प्रयास किया, संघर्ष किया लेकिन सफलता नहीं मिली और नौकरी कई लोगों की चली गई, तो ये स्थिति देखने को मिली। उसके बाद यदि हम बात करें तो 25 अप्रैल से शुक्र भी अस्त हो गए, जो कि धन के मालिक है और सप्तम भाव के दाम्पत्य जीवन के मालिक है, तो धन जो है धीरे धीरे खर्च हो गया, कुटुंब परिवार से विवाद होने लग गया, क्लेश पैदा हो गया। वही सप्तम भाव के मालिक है तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां देखने को मिली, पार्टनरशिप टूट गए कई लोगों के, कई लोगों का दैनिक आय में बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो ये स्थितियां जो है देखने को मिली। अभी भी जो है यदि हम बात करें तो शुक्र और गुरु, जो कि गुरु 7 मई से 2 जून तक अभी भी अस्त है, जून के महीने में 2 जून को गुरु जो है उदय होंगे, और गुरु जो है आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है और व्यय भाव के मालिक है, तो भाग्य का भी साथ नहीं मिला क्योंकि गुरु एक बड़े ग्रह है और गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है। गुरु धन के मालिक है, विवाह के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, ज्ञान के मालिक है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है, तो कहीं ना कहीं जो है इन क्षेत्रों में कमी देखने को मिली, परेशानियां देखने को मिली, धन से संबंधित परेशानियां, कई लोगों का विवाह नहीं हुआ, रिश्ते आते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाता, कई लोगों के रिश्ते भी नहीं आए, तो ये सब परेशानियां देखने को मिली। लेकिन अब 2 जून के बाद गुरु उदय हो जाएंगे, विशेष प्रकार का प्रभाव देने का काम करेंगे। शुक्र जो है 25 अप्रैल से 29 जून तक अभी भी अस्त है, शुक्र धन के मालिक है और वैवाहिक जीवन के मालिक है, यहां पर कुछ हल्की फुल्की परेशानियां भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ये परेशानियां अभी जून के महीने तक जो बनी रहेगी। वैसे देखा जाए तो राहु, शुक्र, बुध और सूर्य की युति जो बनी थी अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, तो ये भी खराब स्थिति थी क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र चारित्रिक दोष बनाता है, राहु के साथ शुक्र चारित्रिक दोष, राहु के साथ बुध जड़ दोष और राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग ग्रहण दोष, ये सब दोष बन रहे थे।
इस कारण से स्थितियां ठीक नहीं थी। वही ये जो ग्रह थे शुक्र बुध और सूर्य व्यय भाव में गोचर कर रहे थे, इस कारण से सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब आगे की यदि हम बात करें जुलाई के महीने से, तो जून के महीने में ग्रहों की स्थिति काफी कुछ ठीक होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जून के महीने में मंगल जो है अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। अंगारक दोष जो बना रहे थे पिछले कुछ समय में राहु के साथ गोचर कर रहे थे, तो 1 जून से मंगल आ जाएंगे आपकी राशि में। 1 जून से काफी कुछ लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, नौकरी में, स्वास्थ्य में, कॉन्फिडेंस में और आय में कहीं ना कहीं जो है वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वही यदि हम बात करें तो गुरु जो है जून के महीने में 2 जून को ये उदय हो जाएंगे और धन भाव में बैठे हैं। गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में आपकी राशि के अनुसार से बहुत अच्छी है। धन भाव में जब भी गुरु का गोचर होता है बहुत ज्यादा धन देने का काम करते हैं, और यही एक अच्छी स्थिति है कि गुरु जो है 1 मई 2024 को धन भाव में आपकी वृषभ राशि में धन भाव में गुरु का गोचर हो रहा है और गुरु जो है जून के महीने में उदय हो जाएंगे। तो ये समझ जाइए धन से संबंधित जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे अब दूर हो जाएगी। कुटुंब परिवार में जो विवाद चल रहा था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपकी वाणी भी बहुत अच्छी होगी। गुरु भाग्य के मालिक है तो भाग्य के द्वारा जो है धन प्राप्त होगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पिता के साथ संबंध आपके बढ़िया रहेगी। 12वें भाव के मालिक है तो देश विदेश की यात्राओं से भी लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस पे भी विशेष लाभ देखने को मिलेगा। विद्यार्थी यदि विदेश जाते हैं शिक्षा के लिए तो बढ़िया लाभ मिलेगा, साथ ही साथ जो है खर्चों में लगाम लगेगा। तो ये स्थिति जो है समझ जाइए 2 जून के बाद बेहतर होना प्रारंभ हो जाएगा और लगभग गुरु जो है आपको अक्टूबर महीने तक जो है अच्छी स्थिति में गुरु रहने वाले हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अक्टूबर के महीने में यदि बात करें तो गुरु जो है 9 अक्टूबर को जो है ये वक्री हो जाएंगे। जब वक्री हो जाएंगे तो एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालने का काम करेंगे। अब वक्री जब गुरु होंगे तो कई लोगों को तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन कई लोगों को परेशान भी करने का काम करेंगे। जिन लोगों की कुंडली में गुरु वक्री नहीं है और केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे, धन भाव में बैठे, लाभ भाव में बैठे हैं, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। और जिन लोगों की कुंडली में गुरु वक्री है, पाप प्रभाव में है, त्रिक भाव के मालिक है, मारक है, उन लोगों की परेशानियां अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन महीनों में देखने को मिलेगी। तो ये समझ जाइए कि अभी जो समय आपको मिल रहा है जून के महीने से लेकर के अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर तक गुरु जो है धन लाभ और भाग्य का साथ देने का काम करेंगे। गुरु के यदि हम पंचम दृष्टि की बात करें तो 6ठे भाव में पड़ेगी, जो कि रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, आय के स्रोत बनाएंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे और नौकरी के लिए समय बढ़िया रहेगा, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। गुरु की 8ठ भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, अपनों को दिया हुआ पैसा रिकवर आ सकता है या अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे, छोटी मोटी परेशानियां दूर होंगी। नवम दृष्टि की बात करें जो कि कैरियर के भाव में गुरु की रहेगी, कैरियर में एक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। कैरियर आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, चाहे वो सरकारी नौकरी वाले हो, चाहे प्राइवेट नौकरी वाले हैं, चाहे वो स्वयं का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुरु का अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो शनि जो है 29 जून से 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब शनि आपकी कुंडली में कैरियर के मालिक है और लाभ भाव के मालिक है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। शनि जब वक्री होते हैं तो कई गुना बलवान हो जाते हैं। अब कई गुना बलवान हो जाते हैं तो सबके लिए तो अच्छे है नहीं। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, मार्गी है, योग कारक है, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, सम राशि में है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर में ये सबसे अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी 29 जून से 15 नवंबर तक। गुरु की भी स्थिति बढ़िया है, कैरियर भाव में दृष्टि है और शनि भी जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे,
मतलब जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका पावर बढ़ जाता है और शनि जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं 15 नवंबर तक लगभग लगभग। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और शनि आपके आय के मालिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आय में वृद्धि करेंगे, धन के कई सारे स्रोत को पैदा करने का काम करेंगे, तो एक ये बेहतर स्थिति आपके लिए हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ है, त्रिक भाव में है, मारक है, नीच राशि में बैठे हैं, उन लोगों को सावधानी रखना है। और ये आपको जुलाई के महीने से ही पता चल जाएगा कि शनि आपके लिए शुभ है या शनि आपके लिए अशुभ है। उन लोगों को उपाय क्या करना है, पीपल की पूजा करना है, पीपल में जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है, 21 परिक्रमा करना है, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे और शनि अशुभ कितने भी हो शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें शुक्र के बारे में तो 29 जून से शुक्र उदय हो जाएंगे। अब शुक्र उदय हो जाएंगे जो कि धन के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है, धन से संबंधित जो परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति को लेकर के जो परेशानियां चल रही है वो आपकी जो है जून के महीने से दूर हो जाएगी। क्योंकि शुक्रदेव धन के मालिक है, धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, धन का डिपार्टमेंट शुक्र के पास है और वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां भी आपकी दूर होने वाली है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया होगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे और विवाह का योग भी बनेगा। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि शुक्र आपको 29 जून से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे जो कि धन के मालिक है और वैवाहिक जीवन के मालिक है, व्यापार के मालिक है। तो व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करेंगे और धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन को बढ़िया करेंगे। राहु और केतु दोनों ही ग्रह बलवान हो रहे हैं और ये बलवान हो जाएंगे, समझ जाइए, जून के महीने में। 2 जून को जैसे ही गुरु जो है उदय होंगे तो राहु भी जो है गुरु के फल देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। अब गुरु गुरु के घर में राहु बैठे हैं मीन राशि में, अब गुरु उदय हो जाएंगे धन भाव में बैठे हैं तो राहु भी धन के परिणाम देने का काम करेंगे। अचानक धन आपको प्राप्त हो सकता है, विदेश की यात्राओं से अचानक आपको लाभ हो सकता है। केतु के बारे में बात करें तो बुध की स्थिति बढ़िया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में केतु आपको अच्छे परिणाम देंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, मामा मौसी और नौकरों के साथ संबंध को मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है क्योंकि राहु और केतु दोनों बलवान होंगे, मजबूत होंगे और अच्छे परिणाम देना प्रारंभ करेंगे। केतु शत्रुओं को जो है नाश कर देता है, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन गुरु जो वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कई लोगों को तो समय जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका पावर बढ़ जाता है। यदि वो शुभ ग्रह है तो शुभता जो है बढ़ जाएगी, अशुभ ग्रह है तो अशुभता जो है बढ़ जाएगी। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जिनकी कुंडली में गुरु जो है अशुभ है, नीच राशि में है, मारक है, त्रिक भाव में बैठा है, उन लोगों के लिए चाहिए कि वो पुखराज रत्न धारण करके रखे और गुरु के बीज मंत्र का जप करे, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, जिससे आने वाला जो समय है अक्टूबर महीने से वो बेहतर रहे और अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो ग्रहों की स्थिति जो है जुलाई के महीने से दिसंबर तक यदि हम देखें तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल जो है समझ जाइए जून के महीने से जो है रोचक नामक राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, स्वास्थ्य में अच्छा लाभ होगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये धन भाव में आ जाएंगे, पराक्रम भाव में आ जाएंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे, पंचम भाव में, छठे भाव में, लगातार दिसंबर तक मंगल जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, एक बेहतर स्थिति आपकी रहने वाली है। मंगल के बाद बुध की स्थिति जो कि चौथे भाव में है, बुध भी आपको जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि बुध भी अब जो है आगे चल के ना ही जो है खराब स्थिति में रहेंगे और ना ही ज्यादा दिक्कत देंगे, नाश होंगे, इसलिए एक बेहतर स्थिति जो है बुध की रहने वाली है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र की स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र भी जो है ये समझ जाइए दिसंबर तक आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, शुक्र की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है। तो शुक्र धन के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। सूर्यदेव जो कि पंचम भाव के मालिक है,
सूर्य की स्थिति जून के महीने से बहुत अच्छी है, जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, विद्यार्थियों के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। दिसंबर तक कहीं ना कहीं सूर्य भी आपको जो है अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। इसके बाद गुरु की स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखना है वक्री जैसे ही गुरु होंगे बदलाव जो है कुछ ना कुछ फलों में देखने को मिलेगा, या तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे या तो कुछ खराब परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपके काम अटक सकते हैं। जैसे 9 अक्टूबर को गुरु वक्री होंगे तो आपके काम जो है अटकने लगेंगे, कहीं ना कहीं देश विदेश से जुड़े हुए कामों में भी परेशानियां आने लगेगी, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और गुरु यदि अच्छे हैं तो कोई विशेष दिक्कत नहीं आने वाली है। शनि जो है शनि पर भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये 29 जून से वक्री होंगे, कई लोगों को छप्पड़ फाड़ धन देने का काम करेंगे, बहुत काम देने का काम करेंगे, आप संभाल नहीं पाओगे, ऐसी स्थिति बनाने का काम करेंगे, लेकिन कई लोगों की स्थिति को खराब भी करेंगे, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वैसे मोटा मोटा यदि हम देखें तो जुलाई महीने से लेकर दिसंबर तक की जो स्थिति है बहुत ही शानदार है, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है और कोई ऐसे बड़े ग्रह जो अस्त नहीं हो रहे हैं, कोई ज्यादा बुरे ग्रहों के साथ प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, इसलिए जुलाई से दिसंबर तक कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलने वाला है। आपके कैरियर में, स्वास्थ्य में, आर्थिक स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सटीक जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं, क्योंकि दशा अंतरदशा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। यदि आपकी दशा शनि की, राहु की, केतु की, मारक ग्रह की चल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होंगी, उन ग्रहों को ठीक करने के लिए पहले उपाय करें तो जो है विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।